अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम एवेन्यू स्टूडियो में मलिक याकूब नूर की फ़िल्म दिलफरोश के सेट पर मौजूद हैं और आज इसकी ओपनिंग हुई है और इस मौके पर हमारे दो लेजेंड डायरेक्टर यहां मौजूद हैं जिनमें हसन अस्करी साहब हैं और मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब। हसन अस्करी साहब दौरे हाज़िर के सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, ये आपको मालूम है। तो हम आज इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा रहे हैं और इनसे पूछते हैं कि इस फिल्म के हवाले से एक क्या बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आप मलिक याकूब नूर साहब की फ़िल्म की ओपनिंग पे मौजूद हैं और आप क्या समझते हैं कि स्टूडियो में मैंने देखा है कि बड़ी बदहाली है, बड़ी बदरौनकी है और आज कुछ रौनक नज़र आ रही है, तो क्या आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, फिल्में बनेंगी और जिस तरह से ये याकूब नूर बना रहे हैं? देखिए शाकिर साहब, जिस तरह से आपकी भी बड़ी काविश है, आपकी भी बड़ी मेहनत है इस फिल्म इंडस्ट्री को वकार बहाल करने में, जो जबों हाली का शिकार है, और आप गुज़श्ता कई बरस से रंग रूप के ज़रिए आप ये फरीदा अंजाम दे रहे हैं कि किसी तरीके से इस इंडस्ट्री की रौनकें बहाल हो जाए, और इसमें आप बहुत हद तक कामयाब भी हैं। आप ही की कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ कुछ फिल्में भी शुरू की हैं हुई हैं और मैंने भी आप ही की वजह से मैं भी एक फिल्म बना रहा हूँ चांद चेहरा के नाम से। तो ये तो जो आप जबों हाली की बात कर रहे थे, जो वीरानी है स्टूडियोज़ में और जिसने डेरे डाल रखे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ रौनक बहाल होने लगी है। सैयद नूर साहब भी फिल्म बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, परवेज़ कलीम साहब भी बना रहे हैं। दिलफरोश एक बहुत खूबसूरत नाम है। बहुत अच्छे के बाद मैंने एक अच्छा खूबसूरत नाम सुनने में आया है और अच्छा नाम है, अच्छा है। इसमें एस्थेटिक सेंस भी है, कमर्शियल भी है और अच्छा लग रहा है। साउंड्स गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। उर्दू फिल्म है और यकीनन जैसे कि याकूब नूर साहब भी हैं और आप भी, ये पढ़ा लिखा इदारा है, पढ़े लिखे लोग हैं और ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं, फिल्म को समझते भी हैं, यकीनन एक अच्छी कामयाब फिल्म होगी ये इंशाल्लाह। और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इसके नताइज भी जो हैं वो भी बहुत अच्छे हो, अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करें। याकूब साहब तो इसमें हीरो का रोल भी कर रहे हैं किरदार, तो चलिए इसी बहाने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक हीरो भी मिल जाए। आजकल हीरो भी नापैद है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, जाकर फिल्में नहीं बन रही थी इसीलिए कोई नए चेहरे भी नहीं आ सके। हमारे लेजेंड राइटर डायरेक्टर जनाब मोहम्मद परवेज़ कलीम साहब मौजूद हैं, तो हम इस फिल्म के बारे में उनसे राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये दिलफरोश की आज ये यहाँ ओपनिंग सेरेमनी है और इस मौके पर आप लोग आए, आपके हाथों इसका अफ्तिताह हुआ, आप क्या समझते हैं कि वीरान हमारे यहाँ ये स्टूडियोज़ पड़े हुए हैं तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा और इस फिल्म के आने से और फिल्में बनने से क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, जहाँ भी कहीं वीरानी होती है वहाँ अगर कोई एक दिया जला दे तो रोशनी तो हो जाती है ना। तो मैं समझता हूँ कि मलिक याकूब नूर जो हैं वो एक दिए की मानिंद है जो अंधेरों में रोशनी दे रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को। यानी पीछे भी उन्होंने काम किया और फिर कुंडीना खड़का और उसके बाद ये दिलफरोश, ये खुशाइंद कदम है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री किया, जो इस वक्त एक सकूत था उसको तोड़ा इन्होंने। और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, फिल्में 3-4-5 पंजाब से तैयार हैं, कुछ कराची से तैयार हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस कहीं जाएगा तो कहीं जाके जो है वो एक माहौल बनेगा कि फिल्म लगे। आज जो है ये फिर से मैं समझता हूँ कि बड़ी एक हिम्मत जुरत का काम है कि नामसाइद हालात में उन्होंने अपनी फिल्म का मुहूर्त किया है। मेरी दुआ है रब्बुल आलमीन से कि उनको परवरदिगार जो है वो इस फिल्म में कामयाबी दे और ये फिल्म अपने पाया तक मील तक पहुँचे और सिनेमा हाउसेस की जीनत बने। एक सवाल सिर्फ और है बस आखिरी, वो ये कि जो स्टूडियोज़ में फिल्में बनाने का सिलसिला बिल्कुल आजकल नहीं है, समझ लें कि ये फैशन में नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टूडियोज़ वीरान हैं यहाँ कुछ ना कुछ काम होना चाहिए? नहीं, देखिए होना तो चाहिए,
लेकिन हो नहीं पाएगा। उसकी वजूहत यह हैं कि जो फिल्म है वो अब स्टूडियो प्रिंसेस, मैंने 2002 में ये स्टेटमेंट दिया था कि फिल्म स्टूडियो प्रिंसेस फलांग चुकी है। किस्सा यह है कि अब जो है वो फिल्म का फैलाव जो है अब और तरह का है, उसका जो एक एग्जीक्यूशन का तरीका है, जो उसका मैनरिज्म इस वक्त है वो बहुत बदल चुका है। तो ज़ाहिर है अब स्टूडियोज़ के फ्लोर में लोग जो हैं बड़ा कम काम करते हैं और ज़्यादा काम जो है वो बाहर हो रहा है, ओरिजिनल लोकेशंस पे हो रहा है। कोई भी बंदा सेट लगाने का मुतहम्मिल नहीं है, इसकी वजह कि वो कॉस्ट एक तो बहुत बढ़ गई है, दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो टेक्नीशियंस होते थे, जो सेट लगाते थे, जो हमारे कारपेंटर थे, चीज़ें थी, वो सारे के सारे नापैद हैं। तो अब देखिए ना, इस गैर मसाइल हालात में बाहरी काम होगा ना, तो लोग बाहर काम कर रहे हैं, स्टूडियो में बहुत कम काम है। देखिए, लोगों की ख्वाहिश तो यही है कि परवरदिगार करे कि स्टूडियो की रौनकें बहाल हो जाएं, लेकिन फिल्म की रौनकें बहाल होंगी, स्टूडियोज़ की रौनकें जो हैं वो बड़ा मुश्किल है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मौजूद हैं फिल्म दिलफरोश के सेट पे और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जनाब याकूब नूर साहब से हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह की फिल्म है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम शाकिर भाई, कैसे हैं आप? सर ये बताएं, ये दिलफरोश जो है, ये कहानी ये किसने लिखी है और ये किस तरह की कहानी है? दिलफरोश कहानी का मरकज़ी ख्याल तो मेरा था, लेकिन इस तहरीर को अमली जामा पहनाया या इस तहरीर को मुकम्मल किया, इस तहरीर के राइटर जो हैं वो हमारे कराची के बहुत बड़े ड्रामा राइटर, ड्रामा नवीस, जिन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे की ऑन एयर, उनके ड्रामे अभी भी चल रहे हैं और पहले भी थे, और मेरे बहुत पसंदीदा राइटर इब्ने आस ने इसको तहरीर किया है। और इस कहानी जो है दिलफरोश की, जो आप पूछ रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग मौजू है, अलग डिफरेंट कहानी है, जो आजकल की रूटीन की कहानियों से बिल्कुल हटके है। और मैं इब्ने आस को इस बात की बहुत दाद दूंगा कि उन्होंने इतने खूबसूरत और कम वक्त में इस चीज़ को कंप्लीट किया, इनके डायलॉग्स लिखे, स्क्रीन प्ले लिखा, तो मुझे तो बहुत खुशी है कि, और बाकी जैसे कहानी आपने नाम सुना है कि दिलफरोश, तो ये एक दिल वालों की कहानी है। अब इस मज़ीद कहानी में क्या होगा ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेरा दावा ये है कि ये एक आम रूटीन से हट के कहानी साबित होगी। आप क्या समझते हैं कि ये फिल्म एक कमर्शियल फिल्म होगी और पाकिस्तानी सिनेमा पर एक खूबसूरत इजाफा होगी? ये कमर्शियल फिल्म है? बिल्कुल, ये कमर्शियल फिल्म है और आर्टिस्टिक फिल्म है। इसमें सबसे खूबी ये है कि इसमें कोई, जैसे आप कह सकते हैं, एक्शन या तशद्दुद, ये वो चीज़ें जिस चीज़ से हमारे कौम में कहते हैं कि बिगाड़ पैदा होता है, ये वो चीज़ वो बिल्कुल नहीं है। माशरे के कुछ चीज़ों की निशानदेही की गई है, लेकिन बहुत खूबसूरत पैराए में की गई है, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस को ये कहानी पसंद भी आएगी और इससे कहानी का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। एक सवाल और, जो आखिरी सवाल है वो ये कि एक तो आपकी फ़िल्म कुंडी ना खड़का तकरीबन कंप्लीट है, और वो कब उसकी रिलीज़ होगी और वो पब्लिक देखना चाहती है, और दिलफरोश की नुमाइश कौन से साल 2021 में हो जाएगी? आपने कहा कि कुंडी ना खड़का तकरीबन कंप्लीट है, वो तकरीबन नहीं, वो 100% कंप्लीट हो गई है, और मेरा इरादा है कि जैसे ही सिनेमाज अब दोबारा ओपन होंगे SOPs के साथ, मार्च में या फरवरी में होते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ईद उल फितर से पहले पहले कुंडी ना खड़का रिलीज़ करूं। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि 2021 ही वो साल होगा जिसमें दिलफरोश भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वो रिलीज़ होगी। बाकी आवाम की पसंद, आवाम की चॉइस, हम अपनी मेहनत कोशिश करते रहेंगे और हमें उम्मीद है कि अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारी ऑडियंस उस चीज़ को पसंद करेगी, अप्रिसिएशन देगी। इस फिल्म का एक और मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं सोबिया इकराम, उनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सोबिया जी, ये बताइए कि इस फिल्म में आपका क्या किरदार है, और ये आपकी पहली फिल्म है या इससे पहले आप फिल्म कर चुकी हैं? नहीं, ये मेरी पहली फिल्म है और इस फिल्म में मेरा मरकज़ी किरदार है, जो कि बहुत जगहों पे आपने देखा होगा। सम टाइम हम सिर्फ दिखाना चाह रहे हैं कि क्या मुआशरे में हो रहा है,
और हो रहा होता है और हो रहा है, तो बस उसी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दिलफरोश नाम तो बड़ा सॉफ्ट सा नाम है, क्या ये फिल्म किस तरह की फिल्म है, कुछ आपको अंदाज़ा है? ये कुछ इस तरह की फिल्म है कि जैसे कि एक गरीब घराना और एक बहुत मॉड स्कॉड घराना दिखाया हुआ है, ठीक है, उसमें डिफरेंस दिखाया हुआ है। और डिफरेंस उसमें ये दिखाया हुआ है कि अगर कोई गरीब घर में है तो वो लड़की कैसे अपना टाइम स्पेंड करती है, कैसे वो सब कुछ, और अमीर जो लड़कियां हैं वो कैसे अपने आप को शोबाजी में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में ख़ुद को घिरा लेती हैं कि वो निकलना मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा मुश्किल है। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा मलिक याकूब नूर के साथ काम करने का, उनका जो ये पूरा क्रू है उसके साथ काम करने का? मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मी हैप्पी कि मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, आई एम प्राउड। और वो इस फिल्म में एक बहुत अहम रोल भी कर रहे हैं मलिक याकूब नूर, और एज ए डायरेक्टर भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो दोनों चीज़ों पे इंसाफ कर रहे हैं? इंशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त इंसाफ करेंगे और कर रहे हैं, और यही चीज़ ही तो हम दिखाना चाहते हैं कि एक बंदा एक टाइम में दो काम कर सकता है। इस फिल्म में जो एक मेन रोल कर रही हैं, जो मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं, वो इस वक्त लाहौर इंडस्ट्री पे छाई हुई हैं, स्टेज की वो क्वीन हैं और जिनका नाम है हनी शहजादी। हम उनसे बात करते हैं इस फिल्म के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच शाकिर साहब। ये बताएं दिलफरोश के हवाले से कि ये बड़ा खूबसूरत सा सॉफ्ट सा नाम है, इसमें आपका कैसा किरदार है, आप क्या कर रही हैं इस फिल्म में? मैं अपनी व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि एक बड़ा यूनिक सा नाम है दिलफरोश, और इसमें मेरा काम भी इतना ही यूनिक है, बड़ा खूबसूरत काम कर रही हूँ, बड़ा अच्छा करेक्टर है मेरा, और इस फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हूँ जो बाकायदा एक करेक्टर है, जिसमें अब ये तो एक सरप्राइज़ है ना कि पब्लिक के लिए जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे जब फिल्म दिलफरोश, तो उनको पता चलेगा कि दिलफरोश कौन है, मैं दिल पैक हूँ, दिलफरोश हूँ, बेचती हूँ, ख़रीदती हूँ, ये सस्पेंस रहने दें इस चीज़ में, लेकिन ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए बहुत खूबसूरत चीज़ लेके आ रही हूँ मैं, क्योंकि उनको एक नए रूप में मिलूँगी इंशाल्लाह कि मेरा काम बहुत अच्छा है। नौजवान प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर मलिक याकूब नूर इस फिल्म में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं, कैसा पाया आपने यहाँ माहौल, किस तरह का है, पूरा क्रू आपके साथ है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताएं कि यहाँ काम करके आपको कैसा लगा, मलिक याकूब नूर के साथ काम करके कैसा सर? देखिए जैसे कि मलिक याकूब नूर साहब को मैं जानती हूँ पिछले एक दो साल से, मेरी उनके साथ मुलाकात है, बाकी इंसान बाहिसत इंसान को वो बहुत अच्छे हैं, और अब तो मैंने देखा उनके साथ काम करके एज ए डायरेक्टर भी वो बहुत अच्छे हैं, एज ए इंसान तो वो अच्छे थे, उनकी जितनी भी पूरी टीम है बहुत अच्छी है, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कहती हूँ कि जहाँ पे नुक्ता चीनी ना हो, उनके भी मुझे यूँ फील हुआ उनकी टीम में शामिल हो गए कि उन लोग उनके बारे में जो बातें करते हैं ना, और जिसके बारे में कुछ बातें होती हैं अल्लाह पाक उन्हीं को इज्जत देता है, और मुझे इस चीज़ का मज़ा आता है, मैं उन्हीं के साथ खड़ी होती हूँ जिनके बारे में कोई बात करता है, कि जिनकी कोई बात करता है उनमें कोई बात होती है, सो मैं उनके साथ हूँ, मैं उनकी टीम में शामिल हो चुकी, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह होपफुली कि ये हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छा जाए। इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक जी। फरोश का म्यूज़िक जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब जी मुश्ताक साहब ने जो है वो तरतीब दिया है, तो जी मुश्ताक साहब से भी पूछते हैं म्यूज़िक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मुश्ताक साहब जी, आप ये बताएं कि इस फिल्म का जो दिलफरोश का म्यूज़िक है वो किस तरह का म्यूज़िक होगा, या कोई फास्ट है, ईस्टर्न है, मॉडर्न है, क्या किस तरह का म्यूज़िक है? इस फिल्म का म्यूज़िक बहुत सॉफ्ट है और कहानी के मुताबिक है, जो जो सिचुएशन है उसके मुताबिक सॉन्ग तैयार किए गए हैं, और पहले भी मैंने इसी प्रोडक्शन से प्रवास का म्यूज़िक दिया था जी जी, और अल्लाह ने इज्जत दी थी। इस फिल्म का म्यूज़िक इंशाल्लाह प्रवास से भी बेहतरीन है, और हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं नुसरत फ़तेह अली खां के शागिर्द हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सॉन्ग किए हैं हमारी फ़िल्म के लिए, और जैसे जैसे सिचुएशनें आ रही हैं उसके मुताबिक हम इसके गाने बना रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला इस फिल्म का म्यूज़िक जो है हिट हो और आवाम को पसंद आए, क्योंकि हमने तो आवाम के लिए किया है जी जी, जो आजकल नहीं हो रहा हम वो काम करेंगे कि आवाम इसको लाइक करेगी, और इसके शायर भी SM सादक साहब हैं, माशाल्लाह SM सादक साहब हैं, और अपना हमारे जो पंजाबी फिल्मों के शायर हैं
उनका नाम है अपना बाजवा साहब, अल्ताफ़ बाजवा, उन्होंने प्रवास के भी गाने लिखे हैं। और इस फिल्म में दो शायर हैं, अल्ताफ़ बाजवा साहब और एस एम सादिक साहब। सिचुएशन के लिहाज से उन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी की, मैंने भरपूर कोशिश की कि उसकी ट्यूनें अच्छी बने, उसकी कंपोजिशन अच्छी बने। दिलफरोश के सेट पे हम मौजूद हैं और यहाँ पर फिल्म का एक और अहम किरदार और उस किरदार को निभा रहे हैं सीनियर अदाकार अच्छी खान साहब। हम अच्छी खान साहब से पूछते हैं इस फिल्म के बारे में। खान साहब, कुछ बताएं इस फिल्म के हवाले से कि आपका क्या रोल है इस फिल्म में, और ये दिलफरोश किस तरह की फिल्म है? नाम तो बड़ा अच्छा सा है, लेकिन क्या आपका रोल क्या है इस फिल्म में? मेरा रोल एक अयाश किस्म का है, जो MNAs कह लें या मिनिस्टर, इस तरह का एक है। तो बोल्ड सब्जेक्ट है फिल्म का, और इसे टीवी के जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है, इब्ने आज साहब ने उन्होंने लिखा है। तो भाई को ये स्क्रिप्ट बहुत पसंद था, उन्होंने मेरे से अक्सर डिस्कस किया कि यार इसको बनाते हैं और शॉर्ट टाइम में बन जाएगी, तो फिर उन्होंने शुरू कर दिया। और ये रोल उन्होंने मुझे कहा है कि ये आप करें, और एक और दूसरा जो बड़ा अहम रोल है वो भाई खुद कर रहे हैं। तो ये है कि उम्मीद है ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, और आज के मुताबिक थोड़ा सा जितनी फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं समझता हूँ कि इसको कामयाब होना चाहिए, लोग इसको देखेंगे, क्योंकि टीवी के हवाले से भी वहाँ भी इसी तरह की आजकल बोल्ड जो है ड्रामास जो है वहाँ का राइटर लिख रहा है, और जो है बोल्ड सब्जेक्ट जो है वहाँ अप्रिशिएट हो रहे हैं। अभी पीछे ही जो एक ड्रामा था जो सैनमो तक गया है, तो वो एक बोल्ड सब्जेक्ट था। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लिक करें। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि फिल्म में बहुत सारे किरदार होते हैं, और एक किरदार है पुलिस इंस्पेक्टर का, और वो हमारे सीनियर आर्टिस्ट मेहर अख्तर साहब कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि इनका कैसा किरदार है। जी मेहर अख्तर साहब, इस फिल्म में किस तरह का आप ये किरदार कर रहे हैं? ये रूटीन से थोड़ा सा हट के ये बड़ा पॉजिटिव करेक्टर है। फिल्म दिलफरोश है, इसके डायरेक्टर हैं मलिक यकूब नूर साहब, और इसके फोटोग्राफ़र हैं जवेद नासिर साहब। और ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अब ये शूट चल रहा है हमारा एवेन्यू स्टूडियो, फ्लोर नंबर 5 है। तो ये कुछ सीन चाह रहे हैं, यानी ये करप्ट अफसर नहीं है, ये जहाँ जुर्म होता है वहाँ पहुँच जाता है, और इस तरह का पॉजिटिव माइंड का करेक्टर है। जिस तरह से हम तमाम लोगों से कमेंट ले रहे हैं, हमारे पास एक सीनियर DOP जनाब आदिल अस्करी साहब मौजूद हैं। आदिल अस्करी साहब को आप जानते हैं, ये पाकिस्तान के मायानाज DOP हैं, और इन्होंने सलूट और काफ कंगना और दीगर बेशुमार लाजवाब फिल्में इन्होंने अक्सबंद की हैं। तो हम इनसे पूछते हैं दिलफरोश के मुतालिक। आदिल साहब, कुछ ये बताएं कि दिलफरोश की अक्सबंदी आज एवेन्यू स्टूडियो में की जा रही है, और एवेन्यू स्टूडियो में काफ़ी अरसे बाद किसी फिल्म की शूट हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो वीरान स्टूडियोज़ हैं इनमें शूटिंग्स होनी चाहिए फिल्मों की, या वो जो बेंगलोर वगैरह में होती हैं उस तरह, कुछ बताएंगे आप? नहीं, स्टूडियोज़ बेसिक जो होते हैं, जिस तरह पहले हमारे कभी काम होता था सेट पर कि फ्लोर्स हैं, लैब्स होती थी, लेबॉर्टरीज होती थी, सब स्टूडियोज़ में काम होना चाहिए। जो आप सेट पे लाइट की फिनिशिंग कर सकते हैं, जो आप डिटेल वर्क दे सकते हैं, जैसे अभी आप ऊपर देखो ये लगे हुए लाइट्स के लिए चीज़ें जो ना ऊपर छिके बोलते हैं हम लोग इनको। तो हाँ ठीक है, कोठियों में भी लोग करते हैं वो, कुछ जैसे किसी का घर दिखाना है या कुछ, वो अब चीज़ बाहर आ गई ना सेटों से जी रियलिटी पे आ गया, तो जैसे जैसे वक्त चेंज होता है तो डेफिनेटली आप उसको थ्योरी भी चेंज करनी पड़ती है, आपको सेट्स भी चेंज करने पड़ते हैं कि लोग अब थोड़ा ओरिजिनल देखना चाह रहे हैं। कि सेट पे ये होता था कि कहीं ना कहीं जितना मर्ज़ी फिनिश कर लो उसको, कहीं ना कहीं आपको लगता था कि बनावट उसमें आ जाती थी। तो आजकल रियलिटी का टाइम है, जो मसलन विजुअल नज़र आए, रियल नज़र आना चाहिए हर चीज़। अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं फिल्म की हीरोइन हीरा अली से, जो फिल्म दिलफरोश की हीरोइन है। इनसे पूछते हैं इस फिल्म के बारे में। मैं हूँ हीरा अली, मुझे इस फिल्म में सिलेक्ट किया है मलिक यकूब सर ने, और इनके म्यूज़िक डायरेक्टर वही हैं, और म्यूज़िक है जी मुश्ताक अली का, और इन दोनों ने मिलकर मुझे सिलेक्ट किया है। मेन हीरोइन हूँ, और वो भी मेन हीरो हैं, और डायरेक्टर भी खुद ही हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको कैसा लग रहा है, पहली फिल्म आपकी है, कैसा लग रहा है? पहली फिल्म है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आगे भी मज़ीद और काम करूँ, और आपको भी पसंद आए।